Audio Jungle. So now students, today I am going to start class 6 chapter 3 playing with numbers. ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे जो स्टडी करेंगे वो फैक्टर्स और मल्टीपल्स इनके बारे में समझेंगे, फैक्टर्स क्या हैं और मल्टीपल्स क्या हैं. ठीक है, तो अब स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए स्टूडेंट्स. ठीक है, चूंकि हम जो है आप ही लोगों के ऊपर डिपेंड है, इसलिए प्लीज हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट्स. अब देखिए इसमें क्या है, पहले बात करेंगे हम फैक्टर की और फिर बात करेंगे मल्टीपल की. ठीक है, जैसे देखिए इसमें डेफिनेशन दी गई है कि अ फैक्टर ऑफ अ नंबर. ठीक है, यहाँ पर ये देखिए लिखा है कि अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर. ठीक है, तो ये आपको चीज ध्यान रखना है कि जो फैक्टर है वो जिस नंबर की फैक्टर हम फाइंड कर रहे हैं, जिस नंबर की हम फैक्टर फाइंड कर रहे हैं उस नंबर का वो एग्जैक्ट डिवाइजर होगा. ठीक है, सपोज कीजिए एक नंबर जो है हमारा, ठीक है, सपोज कीजिए एक नंबर हम लेते हैं. ठीक है, एक नंबर हमने 20 लिया. ठीक है, अब इसके फैक्टर क्या आएंगे, देखिए 1 से स्टार्ट करिए तो क्या 1 से ये डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, तो इसलिए इसका फैक्टर एक 1 हो गया. फिर दूसरा नंबर 2 से क्या 20 डिवाइड होता है, ठीक ठीक पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 2 से, बिल्कुल हो जाता है, 2 10 या 20. ठीक है, तो इसलिए ये 2 आ गया एक. फिर 3 से डिवाइड नहीं होता, जिसके लास्ट में 0 होता है वो 3 से डिवाइड नहीं होता. 4 से, चूंकि 4 की टेबल पढ़ोगे तो 4 5 या 20, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, 4 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा या कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा. फिर ना 6 से होगा, ना 7 से होगा, ना 8 से होगा, ना 9 से, फिर 10 से हो जाएगा. ठीक है, 10 के बाद सीधा 20 आएगा. तो ये चीजें जो है, ठीक है, यानी 1 2 4 5 10 और 20, ये जितने भी नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं इन सब नंबर से अलग अलग 20 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो इनको हम बोलते हैं फैक्टर. किसके फैक्टर ऑफ 20, ये 20 के फैक्टर होंगे, एक नंबर 20 है जो उसके फैक्टर हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, तो ये पहली देखिए कंडीशन क्या है, पहला देखिए ये पॉइंट दिया है. ठीक है, ये हमने लिख रखे हैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, पहली कंडीशन हो गई. दूसरी क्या है देखिए, ये सेकंड कंडीशन बी, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, कोई भी नंबर यानी प्रत्येक नंबर जो है वो स्वयं का फैक्टर होता है. ठीक है, जैसे 2 का फैक्टर देखिए, जैसे कोई भी नंबर, तो ये 20 है. ठीक है, तो इसका फैक्टर स्वयं 20 है, इसका ये मतलब है एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, जैसे 20 है तो ये अपने आप का फैक्टर होगा. ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज में इस तरीके के ऑप्शन दिए रहते हैं, मतलब इस तरीके की उन्होंने ऊपर क्वेश्चन लिख दिया, उसके 4 ऑप्शन दे दिए. अब अगर आपको ये पता है तो आप समझ जाएंगे. ठीक है, फिर देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, ये सब इसी में अप्लाई हो रहे. ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए. ठीक है, और ये एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं, तो ए में ये हो गया, ए के लिए ये हो गया, क्या हो गया, अ फैक्टर यानी 1 इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 20, वो 20 इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 1, 20 इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 2, 20 इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 4, 20 इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 5. ठीक है, और 20 इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 10, और 20 इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 20. बी क्या है, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. ठीक है, तो बी में क्या है, 20 इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, या 20 लिख सकते. ठीक है, 20 इज अ फैक्टर ऑफ 20, बी हो गया. फिर देखिए सी, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर. ठीक है, यानी जितने भी ये फैक्टर आए हैं 20 के, वो या तो 20 से छोटे होंगे या 20 के बराबर होंगे.
ट्वेंटी के जितने फैक्टर आए हैं वो या तो 20 से छोटे होंगे या 20 के बराबर होंगे, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन जो है स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई हो गई, ठीक है। ये तीनों कंडीशन क्या हो गई, अप्लाई हो गई, ठीक है। कैसे अप्लाई हो गई, देखिए वन इज लेस देन 20, ठीक है, टू इज लेस देन 20, इसी तरीके से हम लिख सकते हो 20 इज इक्वल टू 20, तो ये लेस देन भी हो गए और इक्वल भी हो गया, तो या तो उससे कम होंगे या उसके बराबर होंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई फैक्टर की। अब बात करते हैं मल्टीपल। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टीपल, ठीक है। मल्टीपल की बात क्या करते हैं, देखिए हमें फाइंड, जैसे सपोज करिए हमें ये फाइंड करना है, फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ टू। अब देखिए टू के मल्टीपल्स हमें फाइंड करना है, तो पहला टू हो गया, फिर दूसरा, ठीक है, मतलब मल्टीपल फाइंड करने के लिए ये हो जाएगा टू वन या ऐसे भी लिख सकते, टू वन या टू, टू टू या फोर, ठीक है। फिर टू का मल्टीप्लाई थ्री में कर दीजिए, टू थ्री या सिक्स, टू फोर या एट, इस तरीके से आएंगे। तो ये टू के मल्टीप्लाई हो गए, पहला टू का मल्टीपल कौन हो गया, टू का मल्टीपल टू है, ठीक है। देखिए या फिर इसको ध्यान से डी पॉइंट को देखिए, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर, ठीक है। तो अब देखिए जो टू है इसका मल्टीपल स्वयं टू है, ठीक है। तो एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर, यानी अगर हम बात करें कि ये टू है, फोर है, सिक्स है, एट है, ठीक है, तो ये सारे नंबर जो हैं, ये क्या है, मल्टीपल हैं, ठीक है, ईच ऑफ इट्स फैक्टर, ठीक है। अब जैसे फोर का है, फैक्टर करोगे तो टू इंटू टू होगा, तो यहाँ पे टू जो है वो किसका मल्टीपल है, टू इंटू थ्री इज इक्वल टू सिक्स, ठीक है। तो जैसे सिक्स है तो सिक्स के मल्टीपल टू और थ्री है, सिक्स के मल्टीपल क्या है, टू है और, ठीक है, क्योंकि ये दोनों नंबर से डिवाइड होता है। तो एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ, ठीक है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर, अच्छा ठीक है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ईच ऑफ इट्स फैक्टर। जैसे एक नंबर सिक्स है, इसके फैक्टर किए हमने टू और थ्री, ठीक है, एक नंबर सिक्स है इसके हमने फैक्टर किए टू और थ्री, तो टू क्या है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल, ठीक है। तो इसमें एक नंबर टू है और एक नंबर थ्री है, ठीक है, तो टू भी सिक्स का मल्टीपल है और थ्री भी है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर, अपने स्वयं के फैक्टर का या इसके फैक्टर का एक मल्टीपल होगा, ठीक है, क्या होगा, एक मल्टीपल, यानी टू का जो मल्टीपल है वो भी सिक्स है और थ्री का जो मल्टीपल है वो भी सिक्स है, ये मतलब है इसका, सिक्स का जो है हमने टू इंटू थ्री, इसके ये फैक्टर हो गए सिक्स के, ये हो गए स्टूडेंट फैक्टर, ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए, ठीक है। अब ये हो जाएगा कि सिक्स इज द मल्टीपल ऑफ थ्री और सिक्स इज द मल्टीपल ऑफ टू, ये है, ठीक है, यानी इस नंबर के जो फैक्टर होंगे इसका प्रत्येक फैक्टर, ठीक है, इसका जो प्रत्येक फैक्टर है, ठीक है, उसका मल्टीपल ये नंबर होगा, ये मतलब है, ठीक है। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर्स, एवरी मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर, एवरी मल्टीपल, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम मल्टीपल बात करें टू, ठीक है, तो टू टू के इक्वल है, फिर ये जो मल्टीपल फोर है, ठीक है, ये टू से बड़ा है, फिर ये सिक्स है, ये इससे बड़ा होगा, ठीक है। तो मल्टीपल या तो जिस नंबर के हम मल्टीपल फाइंड कर रहे हैं उससे बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा, ठीक है। ये देखिए एवरी मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर, तो गिवन नंबर कौन है, टू, ठीक है, इसके मल्टीपल कौन है, टू है, फोर है, सिक्स है, एट है, और भी बहुत सारे लिख सकती,
तो मल्टीपल होते हैं वो किसी नंबर के, वो स्टूडेंट्स इनफाइनाइट होते हैं क्योंकि कभी नंबर खत्म नहीं होते, चलते रहते हैं। ठीक है, तो दिए हुए नंबर का जो प्रत्येक मल्टीपल है किसी दिए हुए नंबर का, तो वो नंबर कौन सा है जिसके हमने मल्टीपल फाइंड किए, टू है। ठीक है, तो इस टू के जो मल्टीपल होंगे वो या तो टू के इक्वल होंगे या टू से बड़े होंगे। ठीक है, फिर लिखा है एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, जैसे टू का मल्टीपल स्वयं टू होता है, ठीक है, टू का मल्टीपल भी स्वयं टू होता है, फिर फोर होता, फिर सिक्स होता, फिर एट होता, फिर ऐसे ही और लिखते जाएंगे तो 10 होगा, 12 होगा, ठीक है, 14 होगा, 16 होगा, तो ये कभी खत्म नहीं होंगे, तो इनफाइनाइट होंगे। इसके मल्टीपल किसी भी नंबर के इनफाइनाइट होते, जबकि फैक्टर उसके फाइनाइट होते हैं। ये बात स्टूडेंट्स आपको समझनी थी, यही चीज हमें समझानी थी। बाकी अब हम एक्सरसाइज आपको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने ये भी लिख रखा था, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। ठीक है, किसी के मल्टीपल कभी खत्म नहीं होते। और एक यहाँ पर है परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर क्या है, अगर किसी के हम जितने भी फैक्टर होते, जैसे मान लीजिए हमने सिक्स के फैक्टर करेंगे, तो सिक्स के जो फैक्टर होंगे, वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा और सिक्स आएगा। ठीक है, तो अगर इन सब का सम इस नंबर का डबल हो, देखिए ये लिखा है अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। अब देखिए हम 1 + 2 + 3 + 6 करेंगे तो ये 12 आएगा। ठीक है, तो ये 6 से जब डबल आएगा तब हम बोलेंगे, ऐसे नंबर को बोलेंगे परफेक्ट नंबर। तो इसी तरीके से अगर हम 28 के फैक्टर करें, 28 के, तो देखिए 1 से भी डिवाइड होता, 2 से डिवाइड होता, 4 से डिवाइड होता, ठीक है, 4 के बाद 7 से डिवाइड होता, 7 के बाद फिर सीधा 14 से डिवाइड होगा, और 14 के बाद फिर 28 से। तो इसके फैक्टर इन सबका सम कर दीजिए, तो देखिए 2 और 1 3 और ये 7 और 7, यहाँ से यहाँ तक का इनका सम हो गया 14, फिर +14 + 28 कितना आ गया, देखिए 56 आ गया। तो इस 28 से डबल आया कि नहीं आया, तो इसलिए 6 और 28 दो जो है वो परफेक्ट नंबर्स हैं। ठीक है, इन चीजों की जानना आपको जरूरी है। अब देखिए कह रहा राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सपोज करिए हमें इनके फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो इनके फैक्टर फाइंड करने के लिए देखिए, जैसे हमें 24 इसके फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो 24 के फैक्टर फाइंड करने के लिए हम देखिए पहले 1 × 2, ठीक है, 24, यानी इसका एक फैक्टर क्या हो गया 1 × 24 ऐसे लिख दीजिए, फिर 2 × 12 मल्टीप्लाई कर दी जाएगी, फिर 3 3 8 = 24, फिर इसके बाद क्या होगा 4 6 = 24, ठीक है, 4 6 = 24, फिर इसके बाद 5 6 की टेबल में आता 6 4 = फिर कितना आएगा 8 3 = ठीक है, फिर 8 के बाद जो है ये आ जाएगा, तो इतने हो गए, देखिए इतने हो गए। ठीक है, 8 3 = अब इसके बाद 12, चूंकि हम यहाँ पे 12 भी लिख चुके, 24 भी लिख चुके, ठीक है, तो अब इसको मत लिखिए, तो अब इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि फैक्टर्स ऑफ 24, 1 से लिखना चालू करिए, देखिए पहले 1, इधर 1 है, फिर इसके बाद है 2, 2 के बाद है 3, 3 के बाद है 4, 4 के बाद क्या है 6, 6 के बाद अब, ठीक है, अब इधर से देखिए 8, ठीक है, 6 तक हो गया 8, 8 के बाद कौन सा नंबर है, ये 12 है, यहाँ पर ये 12 है, तो ये 12 हो गया, 12 के बाद 24, क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता और जिस नंबर के हम फैक्टर फाइंड कर रहे हैं वो सबका फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये फैक्टर ऑफ 24 इतने आ गए। ठीक है, 1 2 3 4 6, ठीक है, और 8 12 और 24, तो इसी तरीके से नंबर के हमें फैक्टर फाइंड करना है। अब जैसे मान लीजिए देखिए 15 है, तो 1 × 15, ठीक है, फिर इसके बाद जो है 1 के बाद 3 की टेबल में आता 3 5 = 15, ठीक है, 3 के बाद फिर आएगा 5, ठीक है, क्योंकि 3 5 जहां हम लिख चुके, तब लिख लीजिए 5 3 जब भी लिखना पड़ेगा। ठीक है,
और 5 के बाद सीधा 15 आता है, तो उसको हम लिख चुके हैं, ठीक है। तो बस यहां से हम लिख देंगे क्या, फैक्टर्स ऑफ 15, ठीक है। कितने हो गए, देखिए पहले 1 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 15, किसी भी नंबर को 2 बार नहीं लिखना है, ठीक है। तो 1 आया, देखिए यहाँ पे 1 है, ठीक है, ये 1 है, फिर ये 3 है, 3 के बाद ये 5 है, 5 के बाद ये 15 है, तो सब नंबर हमारे हो गए। तो इसी तरीके से स्टूडेंट इनके फैक्टर हमें फाइंड करने हैं। तो देखिए हमने आपको ए बता दिया, बी बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो है, ठीक है, जैसे ये है हमारा 23, एच वाला है, ठीक है। तो 23 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो 23 के जो फैक्टर होंगे वो बस यही होगा 1 × 23, या हम कह सकते 23 × 1, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ 23, ठीक है, तो 1 और 23, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन यही होती है कि अगर किसी नंबर का फैक्टर 1 और स्वयं वो नंबर हो, ठीक है, इटसेल्फ नंबर हो, तो उसको हम जो है प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये 23 के फैक्टर आ गए। इसी तरीके से और भी नंबर के फैक्टर आप निकाल सकते हो, सबके इसी तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताइए। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट, देखिए हमें लिखना है 5 मल्टीपल्स ऑफ, ठीक है। तो 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, ठीक है, तो इसके हमें 5 मल्टीपल्स लिखना है 5 के, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा, देखिए 5 बन जा, पहले 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया। दूसरा हो जाएगा इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 2 = 10, ठीक है। फिर 5 × 3 = 15, ये आ गया, ठीक है। तो देखिए 1 हो गया, 1 स्वयं वही नंबर होगा, 1 10 हो गया, 1 15 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद 5 × 4 कर दीजिए, तो ये 20 हो गया, ठीक है। फिर 5 × 5 कर दीजिए, तो ये 25 आ गया, ठीक है। बस अब इसके बाद जो है ये हो जाएगा, हम लिख सकते लास्ट में कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, ठीक है, आर 5, 10, 15, 20 और 25, ठीक है, ये हो गए। तो ये हमारा ए हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए हमें 8 के फाइंड करना है, तब देखिए डायरेक्ट हम लिख देंगे, 1 आ जाएगा, 8 × 1 = 8, फिर दूसरा क्या आएगा, 8 × 2 = 16, ठीक है। फिर तीसरा क्या आ जाएगा, 8 × 3 = 24, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा 8 × 4 = 32, फिर आ जाएगा 8 × 5 = 40, ठीक है, ये 40। तो देखिए ये 5 मल्टीपल्स आ गए, एक 8 आ गया, एक 16 आ गया, एक 24 आ गया, एक 32 आ गया और एक 40 आ गया, ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरीके से 9 के मल्टीपल जो है 5 मल्टीपल आप लिख दीजिए, एक हमने आपको डिटेल में बता दिया, बाकी ऐसे उसको लिख के आपको करना है। थर्ड में क्या है, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विथ आइटम्स इन कॉलम 2, ठीक है। अब देखिए 35 है, ठीक है, तो 35 क्या है हमारा, ये किसका मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है, ठीक है, ये मल्टीपल ऑफ 7 है, ठीक है। तो इसके सामने बी लिख देंगे, क्योंकि ये इसका आंसर क्या है, बी है, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 7 है, तो ये हमारा हो गया। 15 क्या है, ठीक है, 15 जो है फैक्टर है 30 का, ठीक है, 15 जो है वो फैक्टर ऑफ 30 है, ठीक है, क्योंकि 30 के हम फैक्टर करेंगे तो उसमें 15 भी आएगा। भाई 30 के जब आप इसके फैक्टर करोगे तो देखिए कितना आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा,
थ्री आएगा, फाइव आएगा, सिक्स आएगा, सिक्स के बाद फिफ्टीन आएगा और फिफ्टीन के बाद थर्टी, ये उसके फैक्टर है। तो फिफ्टीन जो है ये फैक्टर ऑफ थर्टी है। सिक्सटीन क्या है, ठीक है, मल्टीपल ऑफ एट है, ठीक है, एट का मल्टीपल, अगर आप पहला मल्टीपल एट है, एट का पहला मल्टीपल एट है, दूसरा सिक्सटीन है, तीसरा ट्वेंटी फोर है, तो ये इसके मल्टीपल ऑफ एट है, तो ये इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ट्वेंटी क्या है, ठीक है, तो देखिए डी भी हो गया हमारा और ये तीन इन्वॉल्व हो गए, टिक करते जाएंगे। अब ट्वेंटी क्या है, ट्वेंटी का फैक्टर ट्वेंटी होता है, ठीक है, ट्वेंटी का फैक्टर जो है वो स्वयं ट्वेंटी होता है। इसके अलावा ठीक है, अब एक और बचा फैक्टर ऑफ फिफ्टी, ठीक है, तो ट्वेंटी फाइव जो है ये फैक्टर ऑफ फिफ्टी होता है, ठीक है, ट्वेंटी फाइव जो है वो फिफ्टी का फैक्टर है, तो ये ई हो गया, ठीक है, ये इस तरीके से है। तो एक इसमें एक्स्ट्रा दिया गया था, नहीं सी जो है, हाँ मल्टीपल ऑफ सेवेंटी, ठीक है, मल्टीपल ऑफ सेवेंटी, तो थर्टी फाइव में यानी फर्स्ट वाले के फिर दो सही होंगे स्टूडेंट्स, फिफ्थ ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, तो इसमें जो है एक डबल हो गया क्या, ठीक है। अब देखिए थर्टी फाइव क्या है, थर्टी फाइव जो है वो मल्टीपल ऑफ सेवन भी है, ठीक है, और थर्टी फाइव चूंकि यहाँ पे सेवेंटी दिया है तो मल्टीपल ऑफ सेवेंटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, मल्टीपल ऑफ, तो इसका मतलब है कि सी किसी का ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फोर में हमें ठीक है मल्टीपल ऑफ नाइन, नाइन लिखना है अप टू हंड्रेड, ठीक है, तो देखिए पहला आ जाएगा नाइन वन या नाइन, ठीक है, फिर इसी तरीके से नाइन टू या एट्टीन, इसी तरीके से करके आपको लिख देने हैं। एट्टीन के बाद क्या आएगा, देखिए ट्वेंटी सेवन, फिर थर्टी सिक्स, नाइन की टेबल पढ़ते जाइए, ठीक है, फिर फोर्टी फाइव, फिर सिक्सटी थ्री, फिर सेवेंटी टू, फिर एट्टी वन, फिर क्या आएगा नाइन्टी, और नाइन्टी के बाद क्या आएगा नाइन्टी नाइन, ठीक है, तो ये इतने आ जाएंगे स्टूडेंट्स, ये इसके जो है मल्टीपल्स हैं, किसके नाइन के, क्योंकि हमें अप टू हंड्रेड तक लिखना था, तो हम नाइन्टी वन के बाद अगला लिख लेंगे तो वो हंड्रेड से ओवर हो जाएगा,